हेलो दोस्तों, आप सभी को धीरा नासा ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, व्हीट ग्रास कैसे उगाया जाता है और उसका जूस कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, व्हीट ग्रास जूस बहुत ही फायदेमंद करता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर बहुत सारा इसमें चीज रहता है, तो आप लोग जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद ही इसका यूज कीजिएगा। और इसको ठंडा के दिन में इसको यूज नहीं करना है, गर्मी के दिन में जैसे मार्च या अप्रैल में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो व्हीट ग्रास जो 7-8 दिन का होता है उसका यूज करना है। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आप लोगों कैसे उगाते हैं और कैसे हम उसका जूस बनाते हैं। चलिए देखिए, कटोरी में पानी ले लिए हैं, गेहूँ भी ले लिए हैं। अब इसको रात भर के लिए भिंगो देते हैं। ठीक है, अब कपड़ा में इसको ले लेते हैं और रात भर के लिए इसको अंकुर होने के लिए दे देते हैं। रात भर में अंकुर हो जाएगा। देखिए, अंकुर हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए, अब इसको बोएंगे। पूरे में बो देते हैं इसको। देखिए, बो चुके हैं। अब इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। पतला लेयर में देना है मिट्टी, ज़्यादा मोटा नहीं देना है, सिर्फ ढक देना है उसको। देखिए, पूरा दे दिए हैं और पानी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आज गेहूं का बोया हुआ। आज 5वां दिन हो गया है, कितना बड़ा हुआ है देखते। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हो गया है। आज 5 दिन में देखिए कितना बड़ा हो गया। इसको 8वां दिन में इसको काटेंगे दोस्तों और इसका जूस बनाएंगे, व्हीट ग्रास जूस उसको बोलते हैं। तो देखिए कितना अच्छा, अभी सुबह के समय में कितना अच्छा इसमें शीत गिरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये गेहूँ बोया हुआ 8वां दिन हो गया है, तो व्हीट ग्रास तैयार है मेरा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको दोस्तों काट के वाश करके इसको जूस बनाना है, तो चलिए काटते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये काट चुके हैं। देखिए कितना सारा हो गया है। तो दोस्तों, इसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, बहुत सारा विटामिन से रहता है। यदि आप लोग को यदि व्हीट ग्रास जूस यदि यूज करना है तो अपने डॉक्टर से सलाह के लेके करें। तो दोस्तों, इसमें यदि आप उगाना चाहते हैं व्हीट ग्रास को, तो आपको 7 गमला लेना है और डेली 1-1 गमला में लगाते जाना है गेहूं को। तो आप 8वां दिन में इसको यूज कर सकते हैं, जूस बना सकते हैं। उससे पहले नहीं बनाइएगा या उससे बाद भी नहीं बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा होने के बाद आपको फ़ायदा नहीं करेगा। ये 8वां दिन में इसको काट के जूस बना लेना है।
यदि बचेगा तो आप उसको सुखा के उसको पाउडर बना सकते हैं, पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा विटामिन इसमें रहता है, प्रोटीन रहता है, तो आप लोग जानकारी लेके ही उपयोग कीजिएगा। देखिए इसको बढ़िया से अच्छा से थोड़ा इसको सफाई करके इसको वाश कर लेना है। क्या दोस्तों, इसको कूट के इसको जूस बना रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पानी मिला लेना है। अब इसको छान लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं पीना चाहिए, कम से कम या अधिक से अधिक आप 50 ml तक इसको पी सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 50 ml हम लिए हैं लगभग, तो हम इसको पी रहे हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अभी हम खाली पेट भी हैं, तो खाली पेट में ही पीना चाहिए, तो और बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें ये पीने से मोटापा भी कम होता है, एक कैंसर जैसे बीमारी को भी रोकता है, किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करता है, पेट संबंधी और भी बीमारी को ये ठीक करता है। तो आप लोग जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद यूज कीजिएगा इसका। दोस्तों, आप लोग यदि ये वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे दोस्तों।